दोस्तों आज के इस वीडियो में पेटीएम से फ्लाइट टिकट बुक करने का ए टू जेड प्रोसेस बताने वाला हूं। लाइव प्रूफ देख लीजिए, मुझे भी जब जरूरत पड़ता है तो मैं यहीं से टिकट बुक करता हूं, क्योंकि यहां पे रेगुलर बेसिस पे बैंक ऑफर और डिस्काउंट के ऊपर चलते रहते हैं, जिससे कि फ्लाइट बुकिंग के साथ साथ हम बचत भी कर पाते हैं। इसी के साथ साथ फ्री में सीट कैसे सेलेक्ट करना है और किसी वजह से टिकट को अगर हम कैंसिल करना चाहें या रिशेड्यूल करना चाहें तो इसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस कटेंगे, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं पेटीएम ऐप के ऊपर और एक फ्लाइट टिकट मैं बुक करके आपको दिखाता हूं। तो देखिए मैं आ चुका हूं पेटीएम एप्लीकेशन के ऊपर और नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद देखिए टिकट बुकिंग वाले सेक्शन में आपको सबसे पहला ऑप्शन फ्लाइट टिकट का मिल जाएगा, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए पेटीएम ट्रेवल के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया गया है। अब हम डायरेक्टली आ चुके हैं पेटीएम ट्रेवल के ऊपर, यहां से हमारा फ्लाइट टिकट बुक होगा। देखिए सबसे पहले दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वन वे और राउंड ट्रिप। इसका मतलब यह है, वन वे का मतलब है आपको सिर्फ एक ही टिकट बुक करना है कहीं जाने का या कहीं आने का, वहीं पे राउंड ट्रिप का मतलब है आपको जाना भी है और आना भी है, यानी कि एक साथ में दो टिकट बुक करना है तो राउंड ट्रिप सेलेक्ट करेंगे, एक टिकट बुक करना है तो वन वे करने वाला। तो मैं यहाँ पे वन वे रखने वाला हूँ क्योंकि मुझे एक टिकट बुक करना है। उसके बाद फ्रॉम और टू में एंटर कर देना है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल पटना से दिल्ली मुझे जाना है तो फ्रॉम में मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे पटना टाइप कर देता हूँ तो पटना का जो एयरपोर्ट है वो यहाँ पे आ चुका है, पटना लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे टू में मैं यहाँ पे दिल्ली करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पटना से दिल्ली जाना है। दिल्ली हमने टाइप किया, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली का ऑप्शन आ चुका। अब देख लीजिए यहाँ पे डिपार्चर डेट पूछा जा रहा है, यानी कि किस डेट में आप ट्रेवल करना चाहते हैं। तो जैसे ही इस डेट के ऊपर हम क्लिक करते हैं एक कैलेंडर खुल के आ चुका है, और इस कैलेंडर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस लिखा हुआ है, प्रत्येक डेट के नीचे प्राइस लिखा हुआ है। इस प्राइस का मतलब ये हुआ कि इस डेट में सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट इतने रुपए का अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल मुझे 5 जून 2024 का फ्लाइट टिकट बुक करना है तो ये डेट हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट डेट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे रिटर्न डेट पूछा जा रहा है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं फिल करना है क्योंकि हम एक ही टिकट बुक कर रहे हैं, तो इसे आप इग्नोर करेंगे। अब अगर आपको पैसा बचाना है तो इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ट्रेवलर और केबिन क्लास के ऊपर हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले तो ट्रेवलर डिटेल समझ लेते हैं किस तरीके से फिल करना है। यहाँ पे देखिए एडल्ट जो 12 साल से ज्यादा उम्र के हैं वो कितने लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, चिल्ड्रन जो 2 से 12 साल का है वो कितने लोग हैं, और 0 से 2 साल का कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, बच्चा चाहे 10 दिन का हो चाहे 10 महीने का हो उसका भी प्राइस लगेगा, उसका भी टिकट बुक करना पड़ेगा। ट्रेन वाला सिस्टम नहीं है कि नाम ही हमने एड नहीं किया और लेकर के ट्रेवल कर दिया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने से पहले टिकट चेक किया जाएगा, आईडी प्रूफ चेक किया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। वैसे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं 0 से 2 साल का अगर आपका बच्चा है तो उसका सीट नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिगो का टिकट बुक करते हैं तो 1500 रुपया फिक्स प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। चाहे आपका टिकट का दाम कुछ भी हो, बच्चे का 1500 रुपया फिक्स लगने वाला है। हालांकि अलग अलग एयरलाइन का अलग अलग चार्जेस है, उसके डेप्थ में हम नहीं जाने वाले हैं। वहीं पे चिल्ड्रन जो 2 से 12 साल का है इसका फुल फेयर लगेगा और इसका सीट भी मिलने वाला है, और एडल्ट जो 12 साल से ऊपर का है उनका तो फुल सीट फुल पेमेंट वगैरह लगेगा ही लगेगा। चलिए बात कर रहे थे हम पैसा बचाने वाला, तो वो ये है कि यहाँ पे देख लीजिए सबसे सस्ता जो क्लास है वो आपको इकोनॉमी में मिलने वाला है, उसके बाद प्रीमियम इकोनॉमी, इससे थोड़ा सा महंगा हो जाता है, और बिजनेस क्लास सबसे महंगा होता है। तो मैं यहाँ पे इकोनॉमी सेलेक्ट रखने वाला हूँ और ऊपर एक ही एडल्ट में सेलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि मैं अपना खुद का टिकट बुक कर रहा हूँ, और डन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देख लीजिए कुछ ऑप्शनल सर्विस है जो आप एडवांटेज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट है, आर्म फोर्स है, सीनियर सिटीजन है, हालांकि पैसे में कोई सहूलियत नहीं दिया जाएगा, डिस्काउंट किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट है, आई कार्ड शो करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन मिल जाता है। सेम उसी तरीके से आर्म फोर्स का भी अलग कंडीशन है, डॉक्टर नर्स का भी अलग कंडीशन है, लेकिन ध्यान रखिएगा पैसा किसी का भी कम नहीं लगने वाला है यहाँ पे। अब डायरेक्टली हम सर्च फ्लाइट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे जो डेट हमने डाला था उस डेट में जितने भी फ्लाइट अवेलेबल होंगे पटना से दिल्ली का, वो सब के सब यहाँ पे खुल के आ चुका है। यहाँ पे देख लीजिए स्क्रॉल करेंगे बहुत सारे फ्लाइट है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं नॉन स्टॉप का फिल्टर करना चाहूंगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नॉन स्टॉप का मतलब होता है कि जहां से जहां आप जा रहे हैं वहां डायरेक्ट फ्लाइट जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल पटना से हमें दिल्ली जाना है और नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं होता तो पटना से पहले रांची ले जाता, या पटना से पहले कोलकाता ले जाता, कोलकाता से फिर दिल्ली लाता, तो ऐसे में हमारा टाइम बर्बाद होगा और पैसा भी ज्यादा लगेंगे, ऑब्वियस बात है। तो आप चाहे तो यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं नॉन स्टॉप का। उसके बाद इस पेज के ऊपर तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं और कितने देर में हमें ये पहुंचा रहा है, जैसे कि देख लीजिए ये 2 घंटा 10 मिनट में हमें पटना से दिल्ली पहुंचाएगा। दूसरा बात ये ध्यान में रखना है कि पैसा ठीक ठाक है या नहीं, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि टिकट तो मिला लेकिन प्राइस ओवर है।
तो इस चीज का ध्यान रखें कि पैसा आपके बजट में होना चाहिए। और तीसरा चीज ये ध्यान में रखना है टाइमिंग, यहाँ पे फ्लाइट का टाइमिंग बहुत ही मैटर करता है, आप जहाँ जा रहे हैं उस टाइमिंग से मैच हो रहा है या नहीं, या घर से निकल सकते हैं तो क्या ये फ्लाइट पकड़ पाइएगा नहीं, तो इसलिए टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग का कैलकुलेशन अगर आप कर ही रहे हैं तो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा आपके कैलकुलेशन में, यहाँ पे जो 9:35 PM का जो फ्लाइट है इसका मतलब यह है कि ये 9:35 PM फ्लाई करने का समय है, फ्लाइट डिपार्चर का टाइम है, इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है। तो मान के चलिए 9:35 PM का फ्लाइट है तो मुझे 7:35 PM में ही एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होगा, तभी हम इस फ्लाइट को पकड़ पाएंगे, अदरवाइज हमारा फ्लाइट मिस हो जाएगा। क्योंकि फ्लाइट में ट्रेन वाला सिस्टम नहीं होता है कि ट्रेन में अगर 9:30 में पहुंच जाओ और ट्रेन पकड़ लो, वो सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चेक इन वगैरह कराना होता है। फॉर एग्जाम्पल टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेंगे उस समय CISF का स्टाफ आपका आईडी प्रूफ चेक करते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन होता है, आप बैग जमा कराते हैं, उसके बाद बोर्डिंग गेट तक जाते हैं, बोर्डिंग गेट आधा घंटा पहले बंद हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 घंटा टाइमिंग आपको हाथ में लेकर के चलना पड़ता है। जो भी फ्लाइट फ्लाई करने का समय है उसे 2 घंटा पहले पहुंचना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारा चीज आप समझ लिए होंगे। तो ये तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आपको देखना है कि कौन सा फ्लाइट आपके लिए सुटेबल है। चलिए तो यहाँ पे मैं कोई भी एक फ्लाइट को बुक कर लेता हूँ, सबसे पहला फ्लाइट को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए उसके बाद आप फ्लाइट का फुल डिटेल यहाँ पे खुल के आ चुका है, फ्लाइट नंबर आ चुका है, टाइमिंग आ चुका है और ड्यूरेशन सारा कुछ आ चुका है। अब हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है, यहाँ पे हमें देखना है कि किस में हमें बुक करना है। सबसे पहला है सेवर, उसके बाद फ्लेक्सी और स्पाइस मैक्स। इन तीनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक चीज तो जान लीजिए, सीट वही रहने वाला है और फ्लाइट भी वही रहने वाला है। पैसा बढ़ा करके और कैटेगरी इसलिए बना दिया गया है क्योंकि थोड़ा थोड़ा एडवांटेज दे दिए गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये फ्लेक्सी प्लस में अगर आप बुक करते हैं तो सीट आपको फ्री में मिल जाएंगे, वहीं पे सस्ता वाला में बुक करते हैं तो सीट का चार्जेबल होगा, ठीक है। और वहीं पे स्पाइस मैक्स में बुक करते हैं तो आपको एक्सल सीट फ्री में मिलेगा, यानी कि बड़ा वाला सीट जो 1500 रुपये चार्जेस देकर के मिलता है वो आपको फ्री में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे फ्लेक्सी में बुक करते हैं तो खाना पीना आपको फ्री में मिल जाता है, और वेस्ट वैल्यू यानी कि स्पाइस मैक्स में बुक करते हैं तो यहाँ पे भी खाना पीना फ्री में मिल जाता है। इसी के साथ साथ नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, सस्ता वाला कैटेगरी में अगर आप टिकट बुक करते हैं और डेट चेंज करना चाहते हैं फ्लाइट का तो 2850 रुपये चार्जेस लगेगा। वहीं पे अगर आप थोड़ा सा महंगा वाला में जाते हैं तो 4 दिन पहले या 4 दिन से ज्यादा बचा हुआ है तो फ्री में आप डेट चेंज कर सकते हैं। वहीं पे डेट चेंज यहाँ पे देख लीजिए अप टू 3350 रुपये यहाँ पे फीस लगाया गया। इसी के साथ साथ अगर टिकट कैंसिल करना चाहते हैं, सस्ता वाला कैटेगरी में आपने बुक किया है तो 3100 रुपये चार्जेस काटा जाएगा, जबकि यहाँ पे देख लीजिए कैंसिलेशन फी अप टू यहाँ पे 3600 दिया। तो यहाँ पे सिंपली ये सब चीजों को मैं इग्नोर करने वाला हूँ, सबसे सस्ता कैटेगरी में मैं बुक करने वाला हूँ। तो सेवर के ऊपर हमने क्लिक किया और नीचे प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे एक इंश्योरेंस हमें सजेस्ट किया जा रहा है फ्री कैंसिलेशन का, जिसके लिए 1033 रुपये पर पैसेंजर पे करना पड़ेगा, जो कि मैं ये नहीं लेने वाला हूँ। यहाँ पे नो आई डू नॉट वॉन्ट टू कैंसिल कैंसिलेशन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, यानी कि मैं इंश्योरेंस नहीं ले रहा हूँ। अब देख लीजिए फिर से आ चुका है पैसा बचाने वाला चीज़ यहाँ पे व्यू ऑल ऑफर के ऊपर हम क्लिक करेंगे और जितने भी ऑफर चल रहे होंगे पेटीएम के ऊपर वो सब हम देखेंगे और देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कौन सा कूपन कोड हमें दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ये जो है ये 1000 रुपये का डिस्काउंट हमें दे रहा है, जो कि HDFC क्रेडिट कार्ड से EMI में हमें बुक करना पड़ेगा। तो यही वाला कूपन मैं अप्लाई कर देता हूँ डिस्काउंट वर्थ 1000 रुपये का। और यहाँ पे कार्ड नंबर पूछा जा रहा है तो HDFC क्रेडिट कार्ड नंबर में डाल देता हूं। लेकिन यहाँ पे इरर आ रहा है कि मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 7500 रुपये का होना चाहिए तो ये डिस्काउंट कूपन अप्लाई नहीं हो पाएगा। चलिए दूसरा कोई देख लेते हैं। तो दूसरा ऑफर है डिस्काउंट 506 रुपये का, यहाँ पे 1 कार्ड का जरूरत पड़ने वाला है और ये कूपन हमारा अप्लाई हो चुका है। नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए 506 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। अब कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं। इससे पहले यहाँ पे देख लीजिए कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड डिटेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे आपको ऐड कर देना है ताकि इसी डिटेल के ऊपर टिकट आपका भेजा जाए। और आप देख लीजिए यहाँ पे ट्रेवलर डिटेल ऐड करना है, कुछ ट्रेवलर पहले से ही ऐड है क्योंकि मैं यहाँ से रेगुलर टिकट बुक करते रहता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे नीचे ऐड न्यू पैसेंजर डिटेल के ऊपर क्लिक करके पैसेंजर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, डिटेल करेक्ट डालिएगा जो आपके आईडी प्रूफ के ऊपर है, क्योंकि CISF का स्टाफ बोर्डिंग पास चेक करेंगे टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होने से पहले, और थोड़ा भी डाटा मिसमैच हुआ तो आपका फ्लाइट डिले हो सकता है या आपका फ्लाइट छूट सकता है, तो इस चीज का आप खास ध्यान रखें।
तो चलिए मैं पैसेंजर डिटेल सेलेक्ट करके और प्रोसीड टू पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। चलिए तो पैसेंजर डिटेल हमारा ऐड हो चुका है और डायरेक्टली आप प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो पेमेंट कर देंगे, टिकट बुक हो जाएगा, लेकिन सीट आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। सीट सेलेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे छोटा सा आइकन दिया हुआ है, बुक सीट मील बैगेज एंड अदर सर्विसेस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये देख लीजिए यहाँ पे फिर से मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। वैसे विदाउट सीट का भी टिकट बुक कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाकर के एडिट करके सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप बोर्डिंग पास जनरेट करते समय यानी वेब चेक इन करते समय भी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ सीट कैसे सेलेक्ट करना है ताकि आप अपना मनपसंद का सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट उड़ने में अभी काफी समय है तो आपको बहुत सारे चॉइस मिल जाएंगे। एट ए टाइम बुक करने से बहुत सारे सीट फुल हो चुके रहते हैं। चलिए बुक सीट के मील के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए प्रोसीड टू सीट सेलेक्ट के ऊपर मैं आ चुका हूं। अब देख लीजिए यहाँ पे सीट मैप खुल के आ चुका है। इस साइड का जितना भी सीट है विंडो सीट होने वाला है, इस साइड का जितना भी सीट है विंडो सीट होने वाला है, ये मिडिल सीट हो गया, ये साइड सीट हो गया। खैर आप मैप देख करके समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो हर सीट के आगे एक प्राइस लिखा हुआ है, तो विंडो सीट खास करके फ्री नहीं होता है। तो जो भी सीट आप बुक करना चाहें उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। और फ्री वाला अगर सीट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए फ्री वाला सीट का भी ऑप्शन है, जो कि खास करके पीछे फ्लाइट के पीछे आपको फ्री वाला सीट मिल जाता है। तो मैं कोई एक विंडो सीट सेलेक्ट कर लेता हूं जो कि ये 300 रुपए का है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अभी देख लीजिए यहाँ पे खाना पीना पूछ रहा है तो इसे मैं नहीं करने वाला हूँ, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। एड ऑन फीचर्स कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। प्रोसीड टू पे 5170 रुपए के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उससे पहले प्राइस ब्रेकअप देख सकते हैं, एयरलाइन फीस, कन्वीनियंस फी, डिस्काउंट कूपन, ग्रैंड टोटल और ये फ्लाइट का डिटेल्स वगैरह है। यहाँ पे 7 किलो आप केबिन बैग ले जा सकते हैं, 15 किलो चेक इन बैग ले जा सकते हैं, नॉन स्टॉप फ्लाइट है, सारा डिटेल आ चुका है। चलिए प्रोसीड टू पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। और आप देख लीजिए क्योंकि मैं वन कार्ड से डिस्काउंट कूपन अप्लाई किया हूं तो वन कार्ड से ही हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पे सीवीवी एक्सपायरी डेट डाल करके और पे के ऊपर क्लिक करके हम पेमेंट कंफर्म करेंगे। या अगर बैंक ऑफर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईएमआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, या बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी मेथड से आपको पेमेंट कंफर्म कर देना है। उसके बाद चलिए मैं आपको बताता हूं टिकट आपको कहां पे मिलेगा। तो ये मैं आ चुका हूं अपना प्राइमरी डिवाइस के ऊपर जहां से मैं रेगुलर टिकट बुक करता हूं। यहां पे देख लीजिए फ्लाइट्स के ऊपर हम जाएंगे, उसके बाद देखिए यहां पे तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑफर, माई बुकिंग और कॉपी टिलो, पता नहीं ये क्या है। चलिए माई बुकिंग के ऊपर हमें क्लिक करना। देखिए आप जितने भी टिकट बुक किए होंगे सबके सब यहाँ पे खुल के आ जाएंगे और जो टिकट आपको देखना है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका बुकिंग डिटेल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए जो भी फ्लाइट रहेगा और यहाँ पे सबसे मेन जो होता है वो पीएनआर नंबर होता है और पैसेंजर का लास्ट नेम होता है। तो पीएनआर नंबर आप यहाँ से देख लेंगे और जो भी फ्लाइट करने का टाइम है, डेट है, उससे 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन हो जाता है। यही पीएनआर नंबर लेकर के आप एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वेब चेक इन कंप्लीट करेंगे, वहां से आपका बोर्डिंग पास डाउनलोड हो जाएगा और वही बोर्डिंग पास से जो कि आपको पीडीएफ में मिलेगा, उसी पीडीएफ वाला बोर्डिंग पास से आप पूरा ट्रेवल कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही रहने वाला है कंप्लीट प्रोसेस पेटीएम से फ्लाइट टिकट बुक करने का और फ्लाई करने तक का प्रोसेस मैं आपको बता दिया हूं। बाकी मेरे हिसाब से वेब चेक इन करने के लिए आपको एक डेडिकेटेड वीडियो देख लेना चाहिए। जिस भी एयरलाइन का आप वेब चेक इन करना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करिएगा, फॉर एग्जाम्पल इंडिगो वेब चेक इन और अंत में फ्लाइट इन्फॉर्मेशन जो मेरा चैनल का नेम है वो डाल दीजिएगा तो मेरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। आप वेब चेक इन करने के कंप्लीट प्रोसेस देख करके बोर्डिंग पास डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस दोस्तों चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किस वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।